फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए दिनेश श्याल यादव यानी कि निरहुआ को आजमगढ़ सीट से टिकट मिल चुका है। आजमगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद निरहुआ ने वाराणसी के एक होटल में विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा था। खैर इसके अलावा लोकसभा 2019 में चुनाव लड़ते आपको निरहुआ नजर आएंगे। खैर दोस्तों इसी बीच बीजेपी में आते ही पीएम मोदी की राह पर चल पड़े हैं निरहुआ और खुद को चौकीदार बताकर काफी सारी बड़ी बड़ी बातें भी करते हुए नजर आए। दरअसल हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिस पर निरहुआ ने जी को टैग किया हुआ है और लिखा है, अब लाइट्स कैमरा इलेक्शन मेरे साथ बहुत जल्द, ये देश नहीं रुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली है और इसके साथ उन्होंने जो वीडियो डाली है उसमें भी खुद को चौकीदार बताते हुए पीएम मोदी का मशहूर नारा लगाते हुए निरहुआ दिखाई दिए। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से अजय की रिपोर्ट।